नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजे टीवी जनता की आवाज़। आइए हम बात करते हैं बिहार में हो रहे आंदोलन के बारे में। बिहार के मोतिहारी जिला के चकिया अनुमंडल कार्यालय के प्रांगण में जादूलाल पासवान के नेतृत्व में एक दिवसीय विशाल धरना किया गया। किसानों का कहना है कि आज़ादी के 75 वर्षों के बाद आज भी बेरोजगारी सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है, जबकि अन्य प्रदेशों में ऐसा नहीं है। बिहार की यह सबसे बड़ी समस्या है। इसी समस्या के निदान हेतु अनुमंडल कार्यालय चकिया के प्रांगण में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जिस धरना को श्री सुभाष सिंह कुशवाहा, पूर्व प्रत्याशी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, सह प्रदेश अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ रालोसपा श्री कामेश्वर प्रसाद कुशवाहा, प्रदेश महासचिव रालोसपा श्री संजय कुमार, जिला अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ रालोसपा पूर्वी चंपारण रविंद्र नाथ सांडिलिया, नगर अध्यक्ष चकिया रालोसपा लखिंदर राम, जिला प्रभारी बसपा रामकृष्ण कुशवाहा, जिला उपाध्यक्ष बसपा चंद्रिका सहनी, जिला अध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ रालोसपा आलोक कुशवाहा, प्रदेश युवा महासचिव रालोसपा अंसार अंसारी प्रमोद कुशवाहा तथा अन्य नेतागण इस धरना में सम्मिलित हुए।